प्यारे बच्चों में आपकी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती संगीता आज बेटा हम हिंदी व्याकरण का पाठ पंद्रह सुनो कहानी कहो कहानी पढ़ेंगे आओ समझें आसमान गिरा पाठ वो कभी कहानी का नाम है आसमान गिरा जो एक चित्र कथा है जिसे हम चित्र के अनुसार बना सकते हैं एक दिन सेब के पेड़ के नीचे एक खरगोश सो रहा था ऊपर से चित्र किसका है पेड़ से सेब गिर रहा है तो ऊपर से सेब गिरे वह झट से उठा और उसे उसने शोर मचाया आसमान गिर रहा है भागो भागो खरगोश डरकर भागने लगा पीछे पीछे पेड़ पर बैठा तोता भी उड़ने लगा देखते ही देखते घास चरता हुआ घोड़ा भी दौड़ा उनके पीछे मोर भी आया एक लोमडी ने देखा भागते क्यों हो उसने पूछा आसमान गिर रहा है हांफते हुए खरगोश बोला यह सुनकर पेड़ पर बैठा बंदर भी डर गया लोमडी जोर जोर से हंसने लगी उसे देख उसे हंसते देख तोता ने पूछा तुम क्यों हंस रही हो भागो भागो तुम भी भागो लोमडी ने सबको रोका और पूछा कहाँ गिर रहा है आसमान खरगोश ने डरते हुए कहा वहाँ उस पेड़ के नीचे सबको साथ लेकर लोमडी सेब के पेड़ के पास पहुँची उसने जमीन पर गिरा सेब उठाया और सबको दिखाया और कहा यही है तुम्हारा आसमान सभी पक्षी हंसने लगे क्योंकि ये चित्र है जो इसमें सारे पक्षी हैं तो क्या लिखेंगे सभी पक्षी हंसने लगे अब ये आप इसका पुस्तकार है बेटा आओ जांचें चित्रों को समझकर कहानी बोलो और लिखो चींटियों की कहानी चींटी का चित्र है एक चींटी थी चींटी बहुत खुश थी खुश दिखाई दे रही है आगे हम चित्र के अनुसार कहानी बनाएंगे चींटी को एक दिन बतासा मिला उसने कहा वहाँ बतासा ये आपको देखो ये चीटी के जो एरो लगी हुई है तो उस चींटी ने क्या कहा वाह बतासा वाह बतासा इतने में वहाँ एक और चीटी आई दूसरी चीटी ने भी कहा वाह बतासा दोनों आपस में झगड़ा करने लगी पहली चीटी ने कहा मेरा बतासा दूसरी चीटी ने कहा नहीं मेरा जो ये यहाँ लिखे हुए हैं यही आएंगे क्योंकि पहली चीटी कह रही है मेरा बतासा दूसरी कह रही है नहीं मेरा का झगड़ा बढ़ता गया दोनों का झगड़ा बढ़ता गया पहली चीटी ने कहा पूरा मेरा दूसरी चीटी ने कहा पूरा मैं खाऊंगी इतने में बारिश आने लगी आपको यहाँ बादल दिखाई दे रही है बारिश दिखाई दे रही है बतासा का चित्र है तो बतासा भीग गया किसी भी चींटी को कुछ नहीं मिला मिला आगे है पॉइंट टू चित्र देखकर कहानी समझो और लिखो वाह कितनी बढ़िया मूंगफली है यहाँ पर गिलहरी कह रही है वाह कितनी बढ़िया मूंगफली है तो यहाँ पे हिरन का बच्चा है जो वो कह रहा है गिलहरी बहन तुम मूंगफली खाकर छिलके यहाँ क्यों गिरा रही हो अब इसकी हम बात लिखेंगे मैं तो यहीं गिराऊंगी ठीक है गिलहरी ने बोला फिर हिरण के बच्चे ने बोला छिलका हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए अब गिलहरी कह रही है हाय बहुत तेज चुभ गया उसको चुभ गया मूंगफली का छिलका मैंने पहले ही समझाया था चलो अब इन छिलकों को मिलकर कूड़ेदान में डालते हैं दोनों कूड़ेदान के पास खड़ी हैं तो हिरन का जो बच्चा है कह रहा है हमें इसी तरह कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए आगे गिलहरी कह रही है हाँ आगे से मैं ऐसा ही करूँगी तो ये पुस्तककार है बेटा आपका इस कहानी पढ़ो और समझो का कंप्लीट हो चुका है आप इसे ध्यान से देखेंगे आपको चित्र के अनुसार कहानी को बनाना है ठीक है बेटा थैंक यू